स्वागत है आप सबका इंडियन कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपको मैं एक कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। कहानी का नाम क्या है? शैतानी का फल। क्या नाम है? शैतानी का फल। शैतान मतलब बदमाशी, और फल माने परिणाम, फल माने परिणाम। अगर आप शैतानी करोगे तो उसका फल मिलेगा कि नहीं? अगर अच्छा काम करोगे तो उसका भी फल मिलेगा, बुरा काम करोगे तो उसका भी फल मिलेगा, मिलता है ना जी। तो एक कहानी है, इसमें चार चीजें, क्या क्या? एक बकरी रहता है, और मेमना, और एक घास का मैदान, और एक एक जंगल रहता है, और एक भेड़िया रहता है। चार पांच चीज की कहानी है। तो क्या होता है कि एक गांव रहता है, क्या रहता है? एक गांव रहता है। उस गांव में क्या रहता है? एक बकरी। कौन रहता है? एक बकरी जो है ना, अपने मेमने के साथ रहती है। और बकरी और मेमना जो कि नहीं, गाँव के बाहर क्या रहता है? क्या रहता है? मैदान। क्या रहता है? ये आपका मैदान है, ये घास का मैदान है। घास का एक मैदान रहता है, जिसमें बकरी और मेमना हर सुबह को वो लोग क्या करने के लिए जाता है? चरने के लिए जाते हैं, यानी घास खाने के लिए जाते हैं। तो एक दिन लोग घास सुबह सुबह जाता है, उसको आराम से खाता। किसको? घास को खूब। दोनों माँ बेटी मतलब बकरी और उसके बच्चा मेमना, दोनों बड़ी मजे से, बड़े चाव से, मस्ती से उसको खाता। फिर शाम होते होते वो लोग वापस अपने घर आ जाता। कौन? बकरी और मेमना। एक दिन भी ऐसा ही हुआ कि वो लोग सुबह सुबह क्या करने चले गया? सुबह सुबह लोग घास चरने के लिए चले गए। कौन? बकरी और मेमना। दोनों बड़ी मजे से खा रहा था घास, और घास खा रहा था, चारा खा रहा था, पेड़ पौधा पत्ता होता सब खा रहा था, है कि नहीं? सब खा रहा था। तो क्या हुआ, आज जो है वो बकरी का जो मेमना रहता है, बच्चा जो रहता है, वो घास खाते खाते मैदान से बाहर निकल जाता है, यानी वो जंगल की ओर चले जाता है। लेकिन उसकी माँ, कौन माँ? बकरी मेमना को मना करता है कि ए बेटी, मेमना, तुम जंगल से बाहर नहीं जा करो, जंगल से बाहर नहीं जा करो, क्योंकि जंगल के बाहर उधर ये मैदान के बाहर नहीं जा करो, क्योंकि मैदान से अगर बहुत दूर चले आओगे तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं उधर, वो जंगल है, उधर बाहर आपका एक जंगल है, और जंगल में क्या रहता है? ये जंगल है आपका, ये क्या है? जंगल। जंगल में क्या? बहुत सारे खतरनाक क्या है? जानवर है, बहुत से खतरनाक जानवर, बहुत से डेंजर जानवर है, लेकिन नहीं, हिंसा करने वाला जानवर है, मारने वाले, मार खाने वाले जानवर है। अगर वहां जाओगे तुम्हें दबोच लेगा, तुमको मार देगा। लेकिन मेमना ने क्या कहा कि मम्मी, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, आप मेरा क्या ना करे, चिंता ना करे, मेरा फिक्र ना करे, मेरे बारे में मत सोचिए, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मुझे कोई नहीं खाएगा, मुझे कोई नहीं दबोचेगा, मुझे कोई नहीं पकड़ेगा। मना किया बकरी ने, और मेमना ने यही जवाब दिया, कोई बात नहीं। वही प्रत्येक दिन सुबह आता, फिर घास खाता, फिर शाम को चले आता। लेकिन एक दिन मेमना जो है घास खाते खाते करते वो किसके बाहर? मैदान के बाहर चले गया। किसके बाहर चले गया? मैदान के बाहर चले गया। मैदान के बाहर जो गया, तो आज जो है, आज क्या हुआ कि मेमना ने अपनी माँ बकरी की बात वो क्या हो गया, भूल गया। क्या कर गया? वो भूल गया, एकदम भूल गया, ठीक है। क्योंकि वो क्या था, अलग चंचल, वो शैतान था, तो बहुत बहुत दूर चले गया, तो रास्ता क्या हो गया, भटक गया, भूल गया। इसलिए पहले मेमना ने बकरी की बातों को भूल गया, और वो घास खाते 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 जंगल के बहुत दूर क्या हो गया, जंगल के एकदम बहुत दूर चले गया, जहाँ खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं, जंगल के बहुत दूर वो चले गया। शाम होने लगा, अंधेरा छाने लगा, शाम का 5 बज गया, है कि नहीं? और चारों तरफ क्या होने लगा, सूरज डूबने वाला है, अंधेरा ही अंधेरा छा गया, डार्क हो गया। लेकिन अब मेमना को याद आया कि अब चलो कहाँ चला जाए, वापस अपने मम्मी के पास चला जाए, यानी घर चला जाए। जैसे वो घर जाने के लिए रास्ता पकड़ा, अब रास्ता क्या हो गया, रास्ता वो भटक गया, भूल गया, यानी जिस रास्ते से आया था वो अब उस रास्ते पर जाना चाहता है, तो वो रास्ता क्या हो गया, भूल गया, जाना इधर चले गया, वो इधर रास्ता भूल गया, भटक गया। आप ऐसे करते करते वो क्या हो गया, जंगल में एकदम बहुत दूर क्या हो गया, घुस गया, क्योंकि जंगल में रास्ता भटक गया था। तभी क्या हो गया, वहां से चिल्लाने लगा मेमना अपने, किसको, अपने माँ को चिल्लाने, मम्मी 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 चिल्लाने लगा, माँ खूब चिल्लाने लगा। कौन? मेमना। कौन चिल्लाने लगा? मम्मी। वो खूब चिल्लाने लगा, लेकिन क्या वो उसका मम्मी उसका आवाज को सुनेगा, क्योंकि वो कहाँ और ये वो घास के मैदान में और ये जंगल में, और दूसरी बात शाम भी हो गया, अंधेरा भी हो गया, उसका माँ रहेगा मैदान में?
वो भी कहाँ चले जाएगा, घर चले जाएगा। चले गया होगा, मम्मी चिल्ला चिल्ला रात में रोने लगा, मम्मी मम्मी कहाँ हो तुम। लेकिन उसके मम्मी उसको सुनाई दिया नहीं। आखिरकार उसने बहुत रोया, मम्मी मम्मी आप सही कहते थे, मैंने आपकी बातों को नहीं माना, आपकी बातों को मैं भूल गया, है कि नहीं। इस पर वो पछताने लगा, क्या करने लगा, पछताने लगा, रोने लगा, विलाप करने लगा। तभी कौन आया जंगल की एक झाड़ी से, कौन आया जंगल के झाड़ी से, क्या है एकदम भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया जब आया उसने क्या कर लिया, उसको बकरी का एकदम दबोच लिया, झपटा उस पर, उसको क्या झपटा, उसको दबोच लिया, उसको दबोच के एकदम पूरा एकदम बिरयानी बना के क्या कर लिया, उसको दम पूरा खा लिया, उसको दम खा लिया, है कि नहीं। देखो ये इसको एक पकड़ लिया, है कि नहीं, पकड़ लिया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेमना जो है, मेमना को उसके माँ के बात को जो नहीं मिला, मेमना जो है उसकी माँ को बात के जो नहीं मना, इसलिए उसको क्या मिल गया, एक दंड मिल गया। क्या मिल गया उसको, दंड, यानी माँ की बात जब नहीं मना तो उसको क्या मिल गया, दंड यानी सजा मिल गया, पनिशमेंट मिल गया, ठीक है नहीं। तो इस कहानी से हम लोग क्या सीखे हैं, इस कहानी से क्या सीखे हम लोग, इससे क्या शिक्षा मिला हमको, शिक्षा ये मिला कि बच्चों बड़ों की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। मतलब हमसे जो भी बड़े हैं, चाहे मेरे माँ हो, बाप हो, भाई हो, मामा मम्मी हो, नाना नानी हो, है कि नहीं, या मेरा गुरु टीचर हो, मास्टर हो, मुनि साहब हो, जो भी हमसे जो बड़ा है ना, अगर वो आपको चीज को कहीं जाने के लिए मना करता है तो उसको बात को क्या करना चाहिए, मानना चाहिए, समझना चाहिए। कहीं जाने को कहता है तो जाना चाहिए। खास करके अगर रात को हम लोग जैसे जलसा सुनने चले जाते हैं, कभी गान सुनने के लिए चले जाते हैं, गान देखने के लिए चले जाते हैं, तो मेरा माँ बाप लोग कहता है ना कि तुम लोग अभी रात हो गया, अभी तुम अकेला नहीं जाया करो, तो उस समय क्या करना चाहिए, अपने माँ बाप की बातों को मानना चाहिए। क्यों, क्योंकि माँ बाप जो होता है ना, या बड़े जो हमसे होते हैं, उसको ज़्यादा तजुर्बा होते हैं, उसको ज़्यादा अनुभव होता है, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हमसे कई गुना बड़े हैं ना, तो बहुत सारी जिंदगी को वो बहुत सारे वो एकदम उम्र काट चुका था, उसको बहुत अनुभव है, वो दूसरे का जिंदगी अपनी जिंदगी को भी देख चुका है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन इसलिए अगर जहाँ मना करता है माँ बाप, तो वहाँ उस बात को हम लोग क्या करना चाहिए, अवश्य ही मानना चाहिए। तो आज से हम लोग वादा करते हैं कि अपने क्या करेंगे, अपनी माँ बाप की बातों को क्या करेंगे, अवश्य मानेंगे। कहानी समझ में आया, चलो एक बार आपके लिए ताली हो जाए सबके लिए।